Good morning, dear students. Class 2, आज आप लोगों को chapter 2 का assignment number 2.2 है और part 2 है. इसमें आप लोगों को पढ़ना क्या है? सबसे पहले पढ़ना है commutative property. Commutative property क्या होता है? तो जैसे देखिए commutative property. देखिए पहले अगर आपको a plus b है, equal to क्या होगा? तो b plus a. इसी में क्या होगा कि जो first position पे है, वह second देखिए इसमें a plus b equal to b plus a. मान लीजिए यह first position या second position. तो क्या होगा कि second position पहले आ जाएगा, first position बाद में चला जाएगा. उसी तरह आपको digit में देखना है. इसे देखिए 3 plus 4 equal 4 plus 3. यह commutative property है. हाँ देखिए पहले 3 plus 4 था, इधर क्या गया 4 plus 3 है. सिर्फ इसी property को follow कर रहा है. अगर यही प्रॉपर्टी को अगर आप फॉलो करेगा तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगा. इसमें टिक. नेक्स्ट एग्जांपल में देखिएगा 7 प्लस 3 इक्वल टू 3 प्लस 6. क्या यह दोनों इक्वल है? नहीं. 7 प्लस 3 कितना होगा? 10 और 6 प्लस 3 कितना होगा? 9. और ये दोनों 7 नहीं है इक्वल. तो आप क्या कहिएगा? इसमें क्रॉस होगा क्योंकि यह कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं है. इसी तरह पहले हम आपको एक एग्जांपल बताएं और नेक्स्ट में देखिएगा कि जिसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगा उस पे आपको टिक करना है.